इस वक्त हम दौलताबाद में खड़े हैं। हफ्जी मंडी तरफ से रास्ता निकलता है। ये दरगाह शरीफ का नाम है मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। ये वजू खाने ना गिर नहीं आता। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत ही प्यारी सजाई हुई है नाज़रीन मज़ार शरीफ। बैक साइड का रास्ता है, बैक साइड से
नादिर ने मुजावर के खोले रूम में राइट साइड का तरफ से आपका नाम क्या है? सईदुद्दीन। सईदुद्दीन जो आप यहाँ पे खादे हो जी। अच्छा, आप कब से खिदमत करते हैं? हमारे किरण के लिए तो कम से कम 25-30 पीढ़ी गुजर चुकी है। 25-30 पीढ़ी गुजर। अच्छा, ये जो बुजुर्ग है तो हजरत सैयद मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह जी, उनका ये यहाँ कब से है, दरगाह कब से है, क्या है? ये बगदाद से आए। ये बगदाद से आए। अच्छा, इनके पीर व मुर्शिद हजरत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। हजरत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अच्छा, जब उनको वहाँ से रवाना किया। अच्छा, तो 40 मुरीद साथ में दिए। अच्छा, और एक आशा बोले थे लकड़ी। हाँ, आशा दिया कि ये आशा जहाँ भी आप ख़याम करोगे। अच्छा, ये आशा ज़मीन में गाड़ देना। अच्छा, गाड़ते से ही वो हरा हो गया। ये समझने का आपको वहीं ज़िंदगी तमाम करना है, वहीं इस्लाम फैलाना है। अच्छा, बहुत सारी जगह गाड़ते आए, कहीं वो आशा हरा नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ आके देखा पहाड़ी दामन सुकून की जगह, आपने आशा गाड़ा, वो गाड़ते से ही वो हरा हो गया। अच्छा, आपने समझ गया कि ये अपने को अब यहाँ से और कहीं जाना नहीं है। अच्छा, और कहीं यही इस्लाम फैलाना है। तो वो जो दरख्त था वो ये है क्या? हो सकता। अच्छा, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। अच्छा, तो आपने सोचा कि आप जो उनके वहाँ से निकले थे, उनके पास जो भी खाने पीने का सामान था। हाँ, वो सब ख़त्म हो चुका था और तीन तीन रोज़ के फाखे हो गए। अच्छा, सभी मुरीदों ने राय की कि सरकार से इजाज़त लेंगे, जंगली मकाम है। हाँ, कोई शिकार करके अपने पेट की आग बुझाएंगे। सरकार से इजाज़त लिया, सरकार हम जंगल में से कोई शिकार करके अपने पेट की आग बुझाए। आपने इजाज़त दिया, जाओ जो भी कुछ मिलता हो लेके आओ। यहाँ जैन मज़हब का राजा राज करता था। अच्छा, राजा ईल। राजा ईल। हाँ जी, उसको एकुलती एक लड़की थी। अरे, जैन मज़हब में आज भी यह तरीका है कि गाय की पूजा करे सिवा खाना नहीं खाते। अच्छा, वही गाय को उन्होंने पकड़ के लेके आया। अच्छा, सरकार जंगल में कुछ तो मिला नहीं, ये गाय मिली, आप इजाज़त दे हम उसको काट के खाएं। आपने इजाज़त दे दी, गाय काट के खा लो, मगर एक बात ध्यान में रखो कि मुंडी, पैर और चमड़ा ये एक जगह महफूज रखो। अच्छा, और आपने एक एसार बांधा। अच्छा, बांधने के बाद में सभी मुरीदों से कहा कि इस एसार से बाहर नहीं जाना। अच्छा, चुनाचे वैसे ही किया, काट के खा दिए, मुंडी पैर चमड़ा एक जगह रख दी। वक्त पूजा का हुआ, गाय पहुँची नहीं। अच्छा, राजा के पास ढूंढने निकले, ढूंढ शायद तो हो तो मिले। देखने वालों ने ये बताया कि यहाँ जंगल में ऐसे ऐसे मुसलमान फकीर आए हुए हैं, हो सकता गाय उन्होंने काट के खा ली। राजा ने फौज को हुक्म दिया, जाओ उनको गिरफ्तार करके ले गया। अच्छा, जैसी फौज वो एहसार से अंदर आती, उनकी बीनाई सर्व हो जाती, आप अंधे होकर आपस में टकराने। अच्छा, बहुत सारी कोशिश करें नहीं आ पाए। फिर ये खबर राजा को पहुंची कि हम उनके पास तक जा रहे नहीं, हम रास्ते में अंधे हो जा रहे, बताओ क्या करें। बोले, जहाँ से नहीं जा पा रहे वहाँ से गोला बारूद छोड़ा। गोला बारूद भी बहुत सारा सरफा किया, कोई असर नहीं हुआ, एक गोला भी नहीं उठा। अच्छा, इस कश्मकशी में बाप ने 50 वो लड़की को गाय ला के खड़ी कर दी कि पूजा कर और तू खाना खा ले। वो हक्की पक्की थी कि मेरी वही गाय आएंगी, उसकी पूजा करूँगी तब खाना खाऊँगी, नहीं तो मैं भी मर जाऊँगी। अच्छा, ऐसा करते करते 3 रोज का उसको भी फाका होगा। अच्छा, चौथे दिन उसके बाप से इजाज़त ली कि मैं ऐसा कौन सा फ़कीर है मेरी गाय, मैं खुद मांग के लेके आऊँ। बाप ने मजबूरन उसको इजाज़त दे दिया, किले से पैदल चल के यहाँ आई, अपने मज़हब का तरीक़ा बताई कि सरकार हमारी मज़हब में गाय की पूजा करी, खाना नहीं खाते, मेरी गाय मेरे को चाहिए। ठीक है, बोले
मुरीदों से जो मुंडी पैर चमड़ा रखे थे वो मंगाए। वो देखते बहुत आग बगुला हो गई कि ये क्या किया, मेरी गाय काट के खा ली थी। ठीक है बोले हम देते हैं, बोले क्या देंगे, मुंडी पैर चमड़ा। तो ठीक है, आपके पास एक आशा था मुंडी पे, तो मुंडी पैर चमड़े पे बिस्मिल्लाह बोल के मारा, वो गाय उठ के खड़ी थी। अच्छा, बोले यही गाय थी? बोले जी हाँ यही गाय थी। और कुछ था तो बोले और कुछ नहीं, एक और एक मारा, एक खूबसूरत बछड़ा जा, बोले हमने तेरी गाय खाई थी, ये हमारी तरफ से बछड़ा दी थी। अच्छा, इसी वक्त कदमों पे गिर गई, इस्लाम कबूल किया, आपका प्याला पी के सवा पहर में हाफिज़ तमाम, बगैर शादीशुदा यहीं पर वफात पाई। बाप ने बहुत जाने की कोशिश करा, नहीं, बगैर शादीशुदा यहीं वफात पाई। अच्छा, ये मज़ार है, ये देखिए मज़ार पहले यहाँ से शुरू कर। बहुत बारे मोहर कुछ जो लड़की थी वो ये थी जी। अच्छा, पीछे दिल्ली का वजीर है खान अब्दुल्ला जमा खान। अच्छा, उसने आप के साथ गुरूर किया। अच्छा, तो उसकी मदार इधर से देखें, गुम्बद इधर से देखेंगे तो इधर घुमा दिखेंगे, इधर से देखेंगे तो इधर घुमा दिखेंगे। आज भी इसके पीछे बड़ा गुम्बद दिखता है यहाँ से। हाँ माशाल्लाह, उसकी ये स्टोरी है कि आप आए थे यहाँ रुके हुए, बाबा इधर घूम के बोलो थोड़ा, हाँ इधर, और आपसे कहा कि मैं तुम्हारे गुम्बद से बहुत सारा बड़ा गुम्बद बनाऊँगा, खूबसूरत बनाऊँगा, और मेरी मज़ार शरीफ पे कलमा तैयबा होगा, ताकि जो अकीदतमंद आपके पास ना आए मेरे पास आएंगे। अच्छा, तो ज़िंदगी में बना के बहुत खुश हुआ, विशाल होने के बाद में गुम्बद अपने आप जिधर से देखे उधर घुमाने दिखे, आज भी देख लो। चलो बस आप चले तो मज़ा ये इस तरफ से देखे ना तो इधर फिरा हुआ दिखता है बराबर, अब उस तरफ से देखेंगे तो उस तरफ फिरा हुआ दिखेंगे, ये गुम्बद में ये है देख। बहुत सारे इंजीनियरों ने यहाँ से देखो तो इस तरफ फिरा हुआ दिखता, वहाँ से देखो तो उस तरफ फिरा हुआ दिखता, मतलब अपन जो साइड में लगे वो साइड पर एकदम सेम टू सेम दिखता है, ऐसा घूमिल दिखता है, ऐसा सीधा नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ा क्रॉस दिखता है। तो ये बुजुर्ग समझो ये जो आज कोई झाड़ू मारने के लिए भी नहीं जाता ना, चिराग नहीं ना बत्ती नहीं। अच्छा, दिल्ली का वजीर था जी, ये उसका अंजाम हुआ गुरूर घमंड तकब्बुर का। हाँ देखो ये करम ये वली अल्लाह का ये, और ये जो गुम्बद गोल वगैरह होता है यहाँ ऐसा गुम्बद है तो अब ये हमारे तारीख ऐसा है। हाँ फना फिल्ला बाखा फिल्ला में। अच्छा, ऐसा गुम्बद बना। अच्छा, फना फिल्ला बका बिल्ला में, बका बिल्ला में, बका बिल्ला में आपका मकाम है ऐसा जैसा, और आपका सिलसिला सौर वर्दी सौर माशाल्लाह मौलाना वाले दोस्त का कलम करे, गौसा कलम हो सत सत के आता हो और